सबसे पहले तो खेसारी जी और सारे टीम का स्वागत है पत्रकारों के सामने जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है लिट्टी चोखा के लिए। खेसारी जी आपसे शुरू करेंगे, कैसे हैं आप? सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाइयाँ कि माता रानी सबके घर में आए और आप सब कुशल मंगलमय रहें ताकि हमारी जीवन भी वैसा ही कुशलता के साथ चलती रहे। आई एम फाइन, एकदम बढ़िया। हाँ मैंने बढ़िया, ये अब बॉम्बे में आए तो थोड़ा सा अंग्रेजी मार देते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा प्रदीप जी और पराग जी, लिट्टी चोखा रिलीज पर है, बस उंगलियों पर गिने जा सकते हैं दिन, तो क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोग बताएंगे? देखिए लिट्टी चोखा के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है, ये हमारे हमारे राज्य की सबसे अच्छी भोजन है, इसके तैयारी के लिए ज़्यादा सामग्री जुटाने की जरूरत नहीं होती है, ये इतना स्वादिष्ट है। और ये लिट्टी चोखा सिर्फ लिट्टी चोखा ही नहीं, मुझे लगता है कि जमीन से जुड़ी कहानी है। हमने किसान के मुद्दों को एक जागरूकता की तरफ लोगों के बीच में कि किसान की कितनी परेशानियाँ हैं, तो हम देखिए नेता तो है नहीं कि हम अपने पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे या संसद भवन में हम इस बात को बोलेंगे, हम एक आर्टिस्ट कलाकार हैं तो हमारे पास एक ही माध्यम है जो सिनेमा है, पर्दे हैं, तो उस पर्दे के माध्यम से ये अगर ये डायरेक्टर हैं पराग पाटिल जी, ये प्रोड्यूसर हैं, तो हम किसी की समस्या को पर्दे के माध्यम से ही दुनिया को बता सकते हैं कि हाँ ये सिर्फ आप ही का कष्ट नहीं पूरे देश की समस्या है, तो ये पूरे देश की समस्या है जो किसान है, क्योंकि मुझे लगता है कि दवा के बिना हम जी सकते हैं, पैसे के बिना हम जी सकते हैं, बट अन्न के बिना इस धरती पे कोई नहीं जी सकता, पूरी धरती की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या चाइना हो, दुनिया की कोई भी राज्य हो देश हो, मुझे लगता है कि किसान अगर नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है। हम कमाते हैं क्या? तो हमेशा आदमी कहता है कि दो रोटी कमाने के लिए, लेकिन वो रोटी कौन कमाता है? हम तो पैसे कमाने आते हैं, रोटी कमाने नहीं आते, हम तो पैसे कमाने आते हैं, रोटी हमारे लिए अगर कोई कमाता है तो वो किसान कमाता है, तो इसलिए हर पूरे किसानों को सम्मान है। और मैं किसान के बेटा होने के नाते मेरे पास जो जरिया है उस जरिया के वजह से मैं जाना जाता हूँ, तो हमारे पास जो माध्यम है उसी माध्यम से किसानों की समस्या को मैंने दुनिया के बीच में रखी है। पराग जी क्या थिएटर्स मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ रिलीज हो रही है फिल्म, डेट के साथ बताएं फिर आगे का सवाल। 12 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है बिहार में, झारखंड में, नेपाल में और यूपी में, शायद से 22 तारीख का डेट होगा मुंबई का, क्योंकि 22 से यहाँ पर सिनेमा घर खुल रहे हैं, गुजरात 15 तारीख से। जी प्रदीप जी, क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं फिल्म की रिलीज को लेकर, क्योंकि बड़ी फिल्म है तो इसके लिए रिलीज की जो तैयारियां हों वो भी ग्रैंड ही होंगे? हाँ बिल्कुल, सारे जगह हमारे थिएटर्स बुक हैं, और जो इन्होंने पराग जी ने बताया अभी सारे स्टेट के बारे में, सब जगह हमारा पूरी तरीके से तैयारी। खेसारी जी क्या प्रमोशन करने जा रहे हैं, थिएटर्स में विजिट करेंगे जैसे पहले होता था? ज्यादातर थिएटर्स में आर्टिस्ट जाते थे सारे और इंटरेक्ट करते थे ऑडियंस के साथ, वैसा होगा? देखिए मैं कुछ सिनेमा होती थी जो सिनेमा उस लायक नहीं बनती है, कभी कभी आदमी प्रमोट करता है, कुछ सिनेमा ऐसी बन जाती है कि हमारे बीच की समस्या होती है, और कोविड को ध्यान देते हुए सबके अपने जीवन का बचाना है, तो कोविड के सरकार की भी हमें परमिशन बहुत कम मिल पाती है कि हम कहीं जा पाए, और हम जाते हैं तो भीड़ ज़्यादा होती है और वो संभाल नहीं पाता आदमी, तो मैं देखता हूँ कितनी समस्या है, कितनी क्या चीज़ें हैं, अगर हमें परमिशन मिल जाता है तो मैं ज़रूर लोगों से मिलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि उनके बीच में जाकर मैं अपने दुखों को सुनाता हूँ, अपनी की हुई चीज़ों को बताता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके बीच में जाऊँ, लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्रतिक्रिया हो जाती है, आज के कोविड जब से आया है तब से बड़ा कुछ सोच के करना पड़ता है, भीड़ वाली जगह पर हमें थोड़ा सा रोक रहता है कि आप नहीं जा सकते, कार्यक्रम के भी लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोविड जब तक मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन क्या बोलते हैं, वैक्सीनेशन दो डोज का वैक्सीनेशन, समझ गए ना क्या बोल रहे हैं, हमको बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ आ जाएगा, अंग्रेजी शब्द है तो आप समझ ही रहे हैं आनंद जी। जी अरे भाई, और जिस तरह से आपने कहा कि भाई भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठा हो जाएगी और शायद कोविड के जो नियम है प्रोटोकॉल है वो कहीं ना कहीं शायद उन्हें नुकसान पहुंचे, आपकी ही फिल्में बैक टू बैक रिलीज हो रही हैं जब से फिर से थिएटर खुला है, उसके बाद आपकी ही फिल्में, खेसारी लाल की फिल्में रिलीज हो रही है, बहुत ज्यादा ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, इस पे आपकी रिएक्शन? देखिए ऑडियंस क्या होती है कि हमारे जैसे मंदिर का गेट खुलता है,
तो मुझे लगता है कि मंदिर जो है वह सिनेमा हॉल हो गया और उसमें भगवान आता है, भगवान आता है अपने भक्त से मिलने। तो भक्त जहाँ देखिए, होता क्या है कि इस दुनिया में भक्त से भगवान से भी बड़ा भक्त होता है, क्यों जहाँ चाहता है अपने भगवान को बुला लेता है। तो हमारी भक्ति में इतनी शक्ति है जो हमारे लिए हमारे भगवान हमेशा हॉल के दरवाजे पे आते हैं और हमें श्रद्धा का फूल और आशीर्वाद चढ़ा कर जाते हैं। तो मैं लगातार चोरी चोरी चुपके चुपके का भी बहुत बड़ा इनिशियल रहा, बाप जी का बहुत बड़ा इनिशियल रहा, और हमारे मुझे लगता है कि लिट्टी चोखा भी उससे बहुत बेहतर होगी, क्योंकि उसमें एक बाप बेटे की समस्या थी, चोरी चोरी चुपके चुपके में एक बिगड़े लड़के की समस्या थी जी हमारे घर की, जो लंदन में रहते हैं उनको लगता है कि नहीं बीयर बार ही बहुत कुछ है ये चीज़ें, तो उस समस्या से उलझी हुई वो कहानी थी। ये है एक किसान का समस्या है, तो ये पूरे देश की समस्या है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जब भी कोई काम करूं तो उसमें समस्या ऐसी हो जिससे उभरा जाए और ये दुनिया को पता चलना चाहिए कि हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है, और हमारा खास करके बिहार राज्य जहाँ पे रोज़गार की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश, और हमें दुनिया प्यार इतनी देती है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने राज्य के लोग की समस्या पूरी दुनिया को दिखाया जाए। खेसारी जी, जहाँ तक आपने बात की किसानों की, बात की आपने कि भाई किसान बहुत परेशान हैं, ये साफ नजर आ रहा है पिछले दिनों बहुत माहौल बिगड़ा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में, जहाँ कई लोगों की जान भी गई, आपको नहीं लगता कि सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं उसमें कोई कमी है ताकि किसानों को ज्यादा से ज्यादा हक मिल सके और कम से कम उनकी सड़क पे जान ना जाए? सरकार काम ही तो नहीं कर रही है, सरकार अगर काम करती तो इतनी समस्या क्यों होती? ये बताइए आप, अगर पैसा आप नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं जी, तो घर पे पैसा तो आता है ना? बिल्कुल, आप जब बिल्कुल। काम करते हैं तो पैसा तो घर पे आता है ना जी। तो सरकार काम ही तो नहीं कर रही है, सरकार काम करती तो रोड पे क्यों लोग होते? रोड पे नहीं होते। आज दुनिया बोल रही है कि महंगाई है, मुझे नहीं लगता महंगाई है। महंगाई इसलिए है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं। खेसारी लाल यादव के लिए अगर बताइए 500 रुपये लीटर तेल हो जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता, इसलिए कि खेसारी के पास पैसे हैं जी, जे वो आप 500 रुपये भी लीटर तेल खरीद के अपने जीवन को चला सकते हैं। तो महंगाई इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है, हम बेकार हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। अगर हमारे पास भी रोजगार होता, व्यवस्था होती, पैसे होते तो आप 500 रुपया का 1000 रुपये लीटर तेल कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? तो इसलिए सबसे पहले कि हम रोज़गार के लिए अगर लड़े तो शायद हमारे लिए बेहतर होगा, और वही हमारी जीवन चला सकता है और बच्चों का भविष्य, हमारा रोज़गार ही तय कर सकता है। महंगाई तो 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये तो हमेशा बढ़ती रहती है, और महंगाई अब इसीलिए बढ़ी है, इसलिए बढ़ी है कि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास रोज़गार नहीं है, तो महंगाई तो ज़्यादा लगेगा ही। ठीक है, आपने ये बात सही कही कि भाई महंगाई जो है वो गरीब लोगों को ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन आपका तो खेसारी लाल जी का बहुत बड़ा नाम है, सारे सरकारों के पास डायरेक्ट एक्सेस है, किसी भी मुख्यमंत्री से खेसारी लाल मिल सकते हैं, किस प्रधानमंत्री से चाहे तो मिल सकते हैं। कभी उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की भैया देश में जनता मर रही है कुछ कीजिए, किसान मर रहे हैं कुछ कीजिए, खेसारी ने अपनी तरफ से पहल क्यों नहीं की? क्या आनंद जी, गजब सवाल करते हैं, कदम डायरेक्ट लिंक है, मोदी जी हमें मौसा लगते हैं ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे हमें डायरेक्ट लिंक। अखिलेश जी से तो आप पिछले दिनों मिले ही थे, कम से कम वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अरे बताइए, तू रह चुके हैं जो है उनसे कहाँ मिले? बात वहाँ नहीं है अखिलेश जी, आनंद जी, बात यहाँ है कि हमारे मिलने से क्या समस्या, जो जमीन पे रह रहा है वो बेहतर जानता है कि मैं बॉम्बे रह के बेहतर जानता हूँ? जमीन वाला बेहतर जानता है। तो क्या नीतीश चाचा जमीन पे नहीं है? वो फ्लाइटें में खाना खाते हैं, वो जमीन पे नहीं घूमते? हमारे जोगी जी नहीं रहते हैं, अखिलेश जी नहीं रहते हैं, कौन नेता बताइए जमीन पे नहीं रहता है? वोट मांगने के लिए तो जाना ही पड़ता है जमीन पे, तो समस्या लोगों को तो देख ही रहे हैं लोग। मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो मैं कभी कभी जमीन पे जाता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ तो समस्या देखने तो जाता नहीं, मैं अपना काम देखने जाता हूँ, मैं अपना काम करने जाता हूँ। लेकिन देखिए, हर आदमी के लिए एक जगह बनाई गई है, हमारे नेताओं को इसीलिए चुना जाता है ताकि हमारे समस्या को देखें, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, हमें इंटरटेन के लिए चुना गया है। मैं इंटरटेन के साथ साथ मैं कोशिश करता हूं जो मैं लोगों का उपकार भी करूं, लोगों का मदद भी करूं, मैं अपने विधा से हटकर एक इंसानियत का धर्म निभाता हूं, मैं हर एक आदमी का मदद करने की कोशिश करता हूं जितनी मेरी क्षमता है जी। लेकिन
अगर किसी के लिए, अभी बताइए, आपको पत्रकार के लिए रखा गया है, सवाल पूछने के लिए रखा गया है, और आप ही इनसे कहें कि सर वो सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो दिक्कत है ना ये? बिल्कुल, क्योंकि आपका काम है, आप बखूबी उसको जानते हैं, लोगों की समस्या के लिए ही आपको चुना गया है, अपने राज्य की समस्या के लिए ही आपको चुना गया है। आप अपने बेटे को अमेरिका, अगर आप नेता बन जाते हैं तो आप अपने बेटे को अमेरिका पढ़ाते हैं जी, हॉस्टल में डाल देते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सबके बेटे अमेरिका पढ़ने चाहिए? आपके अपने बेटे का भविष्य है और दूसरे के बेटे का भविष्य नहीं है। तो इसलिए हर समस्या से उलझने, जूझने के लिए, निकलने के लिए हम लोगों ने लिट्टी चोखा का एक निर्माण किया कि नहीं, कोविड के टाइम पे ही ना जी, कोविड से पहले, पिछले कोविड से पहला जो फर्स्ट जो आया था कोविड, उससे पहले हम लोगों ने, समस्या शुरू हो गई थी किसानों की, जी जी जी। तो हम लोगों ने उसी में बैठकर किसानों की समस्या को आगे करने की कोशिश की। अब सरकार इसको कितना, और लोग, मुझे लगता है कि इसी समस्या को लेकर अगर लोग जागरूक हो और इस सिनेमा को बड़े स्तर पे लेके जाए, तो देखिए वो तो हमारी जनता के ऊपर है। हमने तो वर्क किया है किसानों की समस्या को लेके, अब देखिए हमारी जनता हमें कितना प्यार देती है। लेकिन मेरी आशा नहीं है, विश्वास है कि जनता हमेशा अपने बेटा को अपने गोद में खिलाई है, और हमारी और पराग पाटिल जी की जोड़ी जब भी आई है कुछ अद्भुत करके गई है, जैसे कि संघर्ष आप लोगों ने देखा ही होगा, उसके बाद लिट्टी चोखा, आशी की, इसके बाद भी जब इनके पास वक्त होगा तो मेरे को लेकर डायरेक्ट करेंगे, अभी तो ये बहुत बिजी हैं जी। तो ये बिजी जी, कब वक्त होगा फिर से बताइए, आप कैमरे के सामने, इनका डेट सारा वक्त मेरा इन्हीं का है अब इनके पास जब सारा वक्त, सारा जो भी है, सारा टाइम। देखिए, मैं केसारी जी से जुड़ने से पहले, संघर्ष से पहले, सचमुच मेरा जीवन संघर्षमय रहा है। केसारी जी ने साथ दिया, केसारी जी ने हाथ दिया, और संघर्ष के बाद जीवनी एज एन डायरेक्टर मेरी बदली, वो ड्यू टू केसारी जी। एक बात बताएं, मैं समझ सकता हूं कि ठीक है, उस वक्त आपकी चीज़ें लोगों तक नहीं पहुंची हो, बड़े लेवल के हस्ती आपके साथ नहीं जुड़ा था, लेकिन मैं बड़े लेवल का तभी बनता हूं जब आप जैसे लोग हमारे पीछे काम करते हैं। आप हमें बड़ा करने के लिए क्या नहीं करते हैं, भैया ये पहनिए, भैया ऐसे चलना है, भैया ये करना है, भैया ऐसे करना है। तो देखिए, गार्जियनशिप जो होता है, तो ये गार्जियन का बखूबी आप किरदार जानते हैं कि ये गार्जियन का रोल क्या होता है, और आप गार्जियन का रोल अदा करते हैं तभी मैं एक अच्छा पुत्र बन के निकलता इस दुनिया में। देखिए, गार्जियनशिप में जो भी इंसान काम करेगा, मुझे लगता है जो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र साबित होगा, और मैं एक बेटे की तरह ही काम करने की कोशिश करता हूँ हर डायरेक्टर के सामने। किसानी जी, गार्जियन की बात चल रही, पुत्र की बात चल रही है, तो एक बहुत बड़ा सवाल है जो पूरे भारत देश में शोक चल रहा है, बहुत बड़े स्टार के लड़के पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हैं, इस वक्त जेल में है ड्रेस को लेके, अगर आज नाम आर्यन खान है, लेना नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन अगर आप भी चिंतित है अपने परिवार को लेके, बच्चों को लेके, क्योंकि आप दिन भर काम कर रहे हैं। देखिए, हमारी भोजपुरी में तो इस टाइप का, हम तो देखिए, हम तो खाली नमक, उजर जो नमक होता है वह जानते हैं, और हमारे यहाँ चीनी होता है उजर, उसके अलावा हम कुछ जानते नहीं। दूसरी सवाल ये है कि आप गार्जियन से की बात कर रहे हैं, तो हमारे भोजपुरी में ऐसा है कि भोजपुरी में हम लोग उठलाली से रोटी भर के खा लेते हैं, लेकिन कभी नशा का आदि नहीं होते। आपने मेरा गाना भी देखा होगा, तो हम उठलाली से रोटी भर के खा लेंगे, वो चलेगा, क्योंकि उसमें जीवन बच सकता है, लेकिन नशे से नहीं। इस दुनिया में मैंने आपको क्या बोला कि गार्जियनशिप बहुत ज़रूरी होता है। शिक्षा दीक्षा हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत दूर भेज देते हैं, और हम कभी उसको जानने की कोशिश नहीं करते कि हमारा बेटा क्या करता है। और दुनिया में कोई भी, आज खेसारी लाल का बेटा बिगड़ेगा तो उसका कारण खेसारी लाल यादव खुद हैं। रीज़न ये है कि मैंने अपने बच्चे को कभी उस लेवल पर देखा ही नहीं। हम दुनिया के बच्चों को शिक्षा दे देते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं होता, हमारे पास वक्त नहीं होता है, हम लगातार शूटिंग करते हैं, लगातार हमारे बच्चे हमसे इतने कनेक्ट होते ही नहीं। अब जिनके बच्चे हैं वही इस बात को समझेंगे, जिनके बच्चे नहीं हैं उनको तो नहीं बता सकता मैं। तो दुनिया में जितने भी, मैं सब गार्जियन से बोल रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल इस बात से अपने बच्चों को बिल्कुल दूर मत करिए। गार्जियनशिप में जब भी किसी का लड़का रहेगा, चाहे वो शाहरुख खान जी का हो, या सलमान खान जी का हो, या ऋतिक रोशन जी का हो, या अजय देवगन जी का हो, या किसी अदरवाइज के सारे लाल यादव का हो, किसी का भी बेटा हो, हमें ये बात जानने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ आज भी गांव में देखिएगा तो
अब मुझे लगता है ड्रग्स के बारे में जब से ये चल चीज़ें चल रही है तब से ये दुनिया हमारे यहाँ बहुत सकता है जो बिहार में लोग ड्रग्स का मतलब समझ गए होंगे या ड्रग्स के बारे में जान गए होंगे। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि बिहार में कई ऐसे जगह है जहाँ पे ड्रग्स का मतलब कोई जानता ही नहीं कि होता क्या है। हम भी नहीं जान पाते थे क्योंकि हमने कभी ड्रग्स देखा ही नहीं कि ड्रग्स होता क्या है। तो हमारा मानना यहाँ है कि देखिए भोजपुरी में तो मुझे लगता है कि अल्कोहल तक ठीक रहता है, अल्कोहल तक लोग लेते हैं, हाँ कोई ना कोई अल्कोहल तक चल जाता है भाई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ड्रग्स के आदि हमारे भोजपुरी में अभी तक तो कोई नहीं दिखा मुझे कि हाँ ड्रग्स के आदि हैं। और किसी भी दुनिया में अगर हम आइकॉन हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने घर के बच्चों को भी वो शिक्षा दें जो दुनिया के बच्चों को देते हैं। हमें हमारे प्रवचन सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, हमारे अपने घर के लिए भी होता है। हम दुनिया के बच्चियों को कहते हैं कि आप ऐसा काम करो, आपको ऐसे करना चाहिए। दुनिया के बच्चियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हम अभियान तो चलाते हैं, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हमारे घर में भी बेटी है, उसे भी हमें बचाना है और हमें उसे भी पढ़ाना है। ये नहीं कि हम अपने गार्जियनशिप से मुख मोड़ लें कि नहीं हमने पैसे कमा लिए, हमारे पास पैसे खान आ गए, हमारे बच्चों की कोई कमी नहीं है। हाँ, उसके पास कमी एक चीज़ की है, संस्कार की। अगर उसके पास संस्कार आप नहीं दीजिएगा, उसके पास अपने गांव की भूमिका को आप नहीं बताइएगा, तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पापा किस स्तर से आए हैं इस जगह पे। मैं अपने बच्चों के साथ अगर 2 घंटे मैं रात में ही टाइम मिलता है मुझे, या सुबह 2 घंटे टाइम मिलता है और रात में टाइम मिलता है, तो मैं अगर 10 बजे भी घर पर जाता हूँ तो 3 घंटे का क्लास मैं अपने बच्चों के साथ करता हूँ। रीज़न ये है कि मैं अपने जीवन की हर वो चीज़ अपने बच्चों को बताता हूँ कि मैं लेटी भी बेचा हूँ बेटा, अगर तुम लोग इस गद्दे पे सोए हो तो मेरे पास चटाई भी नहीं थी, आज आप लोगों के पास गद्दा है। तो मेरी बेटी समझदार है तो मेरी बेटी समझती है और वो रोने लगती है और वो बोलती है कि पापा हम कुछ ऐसा कभी नहीं करेंगे कि जिससे आपके नाम को कोई असर पड़े या आपसे जुड़े हुए लोगों को कोई हरास पहुँचे। सर, एक सवाल ये है कि आप ट्रेंडिंग स्टार बोले जाते हैं, साउथ की फिल्म में काम कर रहे हैं, हिंदी फिल्म जो है बॉलीवुड की फिल्म है, बहुत बड़ा वर्ग जो हिंदी भाषी है, आपको हिंदी फिल्म में देखना चाह रहे हैं, आप कब आ रहे हैं उसके अंदर, अगर आ रहे हैं कौन सी पिक्चर है, कब आ रही है, कुछ उस बारे में बता। मैं अपने भोजपुरी में बड़ा खुश हूँ, अपने माँ के गोद में बैठ कर जो आनंद मिलता है मुझे लगता है कि वो किसी झूले पे नहीं मिलेगी। झूला हमें 2 घंटे झुलाता है फिर भी हम सो नहीं पाते, वहाँ डर डर के झूलना पड़ता है, लेकिन माँ के गोद में एक बार हम चले जाते हैं ना तो अपने आप नींद आ जाता है, क्योंकि उस शकून की वो जो गोद है वो शकून वाली है और उस गोद में हम खेले हैं। और हमें लगता है कि देखिए मैं दुनिया के कहीं भी कोने में काम करूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरी उपलब्धि है, ये मेरा संस्कार है, ये मेरी माँ है। तो मैं दुनिया के, हाँ मैं जवान हुआ हूँ तो मुझे शादी तो होना है, एक और भी माँ मिलेगी मुझे, तो मुझे लगता है कि मैं आज भी वो गोद को ना छोड़ूं, और मुझे नहीं लगता कि मैं जीवन में कभी उस गोद को छोड़ पाऊंगा। मेरे हजारों सांस क्यों ना मिल जाए, मैं हर भाषा के लिए काम क्यों ना कर जाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे यहाँ के टेक्नीशियन दुनिया के सबसे बेस्ट टेक्नीशियन है, मेरे यहाँ के डायरेक्टर दुनिया के बेस्ट डायरेक्टर हैं, मेरे यहाँ के हीरोइने दुनिया की बेस्ट हीरोइने हैं, मेरे यहाँ के राइटर दुनिया के बेस्ट राइटर हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने खेसारी को एक पहचान दी है। मुझे साउथ ने पहचान नहीं दिया, मुझे हिंदी ने पहचान नहीं दिया, मुझे मराठी ने पहचान नहीं दिया, मुझे किसी भाषा ने पहचान नहीं दिया, मेरे यहाँ के लोग ने ही मुझे बड़ा किया है। तो मुझे लगता है कि ये दुनिया के सबसे बेस्ट लोग हैं। खेसारी जी गाने तो गाते हैं हिंदी के और बहुत अच्छे चलते हैं, ट्रेंडिंग में चलते हैं, हिट में चलते हैं, मिलियन व्यूज क्रॉस करते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड बनता है, गाने गाने में अगर दिक्कत नहीं है तो हिंदी फिल्में करने में क्या दिक्कत है? अच्छा ये बताइए, जो गाँव में गोभी उगता है तो मॉल में नहीं बिकता है? हमने कहा लौका मॉल में ना बिकला है। इसका इसका आपके मामले से कैसे रिलेशन होगा? बिल्कुल रिलेशन है जी। ये बताइए जो गांव में गोभी या मुरई मॉल में बिक सकता है, इन्फिनिटी मॉल में मुरई को बेचा जा सकता है, का खेसारी लाल यादव हिंदी गाना नहीं गा सकता? बिल्कुल गा सकता है। मेरे कहने का मतलब वो उस मुरई का उपलब्धि है, ये वो अपनी जरूरत इतना ज्यादा लोगों के बीच में डाल दिया है कि वो कहीं भी जाएगा तो उसकी कीमत कम नहीं होगी, जैसे कि सोने की कीमत। मैं कोयले से निकल के आया हूँ, दुनिया के लिए हमारी भोजपुरी कोयला हो सकती है लेकिन वो ये हीरा वहीं से निकला है, लेकिन हमारे लिए हमारा घर हमारा आश्रम हमारा दुनिया का सब वो सुख उस कोयले से ही मिला है, क्योंकि मेरी पहचान उस कोयले से जरूर है, लेकिन मैं निखर के जब किसी बड़े आदमी के अंगूठी में बलता हूँ ना तो उसकी शोभा बढ़ा देता हूँ। तो मैंने हिंदी लेवल पर काम किया जरूर है, लेकिन अब हमारे मुँह रही तो मत बुझिए, गाँव से मुँह रही निकल के आएगा। मैं क्या बोला कि देखिए आप किसी स्तर पे काम करिए, लेकिन उगता तो खेत में ही हूँ ना, तो मेरी खेती जो है मेरी भोजपुरी है,
तो इसलिए हिंदी गाना तेरे मेरे दरमियां को बहुत लोगों ने प्यार दिया, वो मुझे लगता है कि 20-21 दिन तक ट्रेंडिंग में भी रहा जी। तो वो हमारी उपलब्धि है, हमारी भाषा की उपलब्धि है। मैं दुनिया के किसी कोने में चला जाऊं, दुनिया मुझे यही कहेगी कि ये मेरा बेटा है और ये भोजपुरी समाज का हीरा है। आपका तो देवी गीत भी ट्रेंडिंग में रहता है सर। हाँ अभी है, 3 नंबर पे है, चल रहा है, वो मेरे ही कंपनी का गाना है, आराम में दोबारा मिला जाइए ना। सर जी, गाना की बात चल रही है और लिट्टी चोखा अभी रिलीज होने वाला है, लिट्टी चोखा का कोई गाना आप अगर सुना दे दर्शकों तो मजा आ जाए। हमारा गला फंसा हुआ है, देखिए गा देंगे हम। देखिए 3-4-5 दिन से ना फाइट में बुरादा घुस गया था इधर, तो इसीलिए है उसका बहुत खतरनाक गाना है। जब सुनिएगा तो आप देखिएगा तो बड़ा, हम लोगों ने बड़ा खर्चा किया था, 5-6 लाख रुपये सिर्फ एक गाने के लिए खर्चा किया था, तो मज़ा आएगा आप लोगों को। अभी खेसारी जी ने बोला कि फिल्म के अंदर किसानों की समस्या का दिखाया गया है, तो आपने क्या समस्या का समाधान भी उसमें पेश किया जो सरकार को समझ आए ये फिल्म देखने जो उनको लगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सरकार देखिए, सरकार की तरफ से किसानों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं जो सरकार के नुमाइंदे हैं जो लोग गाँव में किसी पोस्ट पर है तो उस सरकार के थ्रू जो योजनाएं जो गई हैं मार्केट में वो किसानों तक पहुंचे ये ज़रूरी नहीं है, और उसी को चीज़ों को उजागर करने के लिए लिट्टी चोखा बनाया गया है। केसारी जी का एक नया रूप नज़र आएगा आपको लिट्टी चोखा में, एक ट्रेलर में तो जिस तरीके से केसारी जी ने किया है, एक भोला, एक बहुत ही भोला आदमी जो गांव से जुड़ा हुआ है और उसके बाद में अचानक ट्रेलर में एक बहुत ही एक डैशिंग हीरो की तरह नज़र आते हैं फाइट करते हुए, तो वो ट्रेलर की खूबियों में बहुत सारा सस्पेंस, बहुत सारा रहस्य और माटी की खुशबू है लिट्टी चोखा। ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं आप तीनों लोग, जाने से पहले, फिल्म को रिलीज से पहले कोई मैसेज अगर आप लोगों का तो प्लीज़ आप दीजिए। देखिए लिट्टी चोखा से मेरा रिलेशन मुझे लगता है कि माँ बेटे की तरह, क्योंकि लिट्टी चोखा बेच के ही मेरे जीवन को, और मैं बस बहुत खुश नसीब हूँ कि जिस लिट्टी चोखा का पैसे से मैंने कैसेट गया था आज उसी लिट्टी चोखा का हीरो हूँ मैं जी। तो ये मेरे लिए बड़ी उपलब्धि है, और मैं बस यही दुनिया से अपील करना चाहता हूँ कि आप हैं तो दुनिया है, ये हम किसान के बेटे हैं और पूरे यूपी बिहार ही नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ किसान हैं वो हमारे जीवन के सबसे बड़े सूत्रधार हैं, और उन किसानों के सम्मान के लिए इस सिनेमा को आपको ज़रूर देखना चाहिए कि क्या समस्या है, क्योंकि हर आदमी मुझे लगता है जो उन किसानों के समस्या और उस किसानों के धारणा पे नहीं गया है, तो जो धारणा पे नहीं गया है किसानों की समस्या क्या है, अगर लिट्टी चोखा देखेगा तो दुनिया को जरूर समझ में आएगा और अपनी उपलब्धि समझ में आप सबको आएगी कि हमारे हम किसानों की उपलब्धि क्या है। किसानों की समस्या तो कभी सोचा आपने या भी अभी प्लान किया है कि ये फिल्म किसी नेता को या किसी राजनेता को दिखा के किसानों के हल्का या किसी किसान नेता को दिखाया जाए? हाँ बिल्कुल, ये हालांकि हर नेता को या किसी को हम नहीं दिखा सकते, लेकिन फिल्म बंदूक के माध्यम से जब ये सब्सिडी के लिए भी गई हुई है किसी राज्य के, हाँ तो योगी आदित्यनाथ जी से बात भी हुई है और वो उन समय मिलते वो देखेंगे योगी जी। थैंक यू सो मच। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।